हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, सुजलॉन एनर्जी में धमाकेदार न्यूज़ आ चुकी है। MSCI के मिड कैप इंडेक्स के में इसको ऐड कर लिया गया है, सुजलॉन एनर्जी को। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव बात क्यों है MSCI इंडेक्स में आने के कारण, ये भी आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इसमें अभी तेज़ी होगी कि गिरावट होगी और कहाँ तक जा सकता है या कहाँ तक गिर सकता है, सब बात करेंगे हम लोग। आज सुजलॉन एनर्जी ने 40.50 रुपीज़ पर क्लोजिंग दिया, एक न्यू हाई बनाया और वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ। आज एमओ ऑर्डर सेलिंग के लिए लगी हुई है 8000 शेयर्स की। जी हाँ, बाइंग के लिए नहीं लगी है, सेलिंग के लिए 8000 शेयर्स की ऑर्डर लगी हुई है। अब आप सोचेंगे इतनी बड़ी न्यूज़ है और सेलिंग की ऑर्डर लगी हुई है, ऐसा क्यों हुआ? आज आपने देखा होगा, एक्चुअली मॉर्निंग में काफ़ी लोगों को पता चल गया था कि MSCI इंडेक्स में इसको ऐड कर लिया गया है, मिड कैप इंडेक्स में। तो काफ़ी लोगों को लग रहा था कि सीधा खुलेगा और अपर सर्किट में जाएगा, पर हुआ उल्टा। जब मॉर्निंग में खुला तो इसमें सेलर ज़्यादा थे, बायर्स कम थे। दिन भर इसमें सेलिंग चलती रही, बाइंग होती रही, सेलर ज़्यादा थे। आखिरी में मार्केट जब बंद होने को आया, जब बायर्स बढ़े सेलर्स कम हुए, और बड़ी मुश्किल से इसमें अपर सर्किट लगा खींच खींच के। तो सब लोगों को परेशानी हो रही होगी कि हो क्या रहा है इसमें, तो इतना सेलिंग आने का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका RSI बढ़ चुका है, अभी करीब करीब 83 पर आ चुका है, अपना ऑल टाइम हाई RSI पर ये शेयर पहुंच चुका है। एक्चुअली MSCI की ये न्यूज़ नहीं होती तो आज ही ये गिर जाता था, बट ये न्यूज़ के कारण इसमें आज बाइंग बनी रही। बट सेलिंग भी उतनी स्ट्रांग कंटिन्यू चल रही थी, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई MSCI की न्यूज़ आ गई और लोग भाग भाग के बाय कर रहे थे। काफ़ी लोग ऐसे भी थे कि प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। तो इतना सेलिंग आने का कारण ये था कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। जिन लोगों ने नीचे के लेवल से बाय किया हुआ है उन्होंने आज बेच दिया, क्योंकि उनको एक पता होता है, जो मार्केट के जानकार होते हैं, कि अभी ज़्यादा भागने की गुंजाइश नहीं है, अभी थोड़ा करेक्शन हो सकता है सुजलॉन में। जी हाँ, आपको ये सुन के बुरा लगेगा, बट ये बात सही है कि थोड़ा करेक्शन सुजलॉन में देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि RSI बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, ओवरबॉट जोन में जा चुका है शेयर, और जो न्यूज़ थी MSCI इंडेक्स की वो अभी फैक्टरिंग हो जाएगी। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गिर गिर के लोअर सर्किट लग लग के डायरेक्ट 20-25 रुपये चला जाएगा। हो सकता है फर्स्ट जो सपोर्ट है 36-37 वहाँ तक जाए, और उसको ब्रेक किया तो मैक्स टू मैक्स 33-34 तक जा सकता है, उसके नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। बट थोड़ा सा करेक्शन होना ज़रूरी भी इसलिए भी है क्योंकि MSCI इंडेक्स में इसको ऐड किया गया है, जो कि लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा 30th of November से। 30 नवंबर से ये लिस्ट लागू होगी, उसके बाद में इनफ्लो आना शुरू होंगे FII के इसके अंदर, जो कि करीब करीब 2600 करोड़ रुपए के शेयर्स बाय करेंगे FII, ऐसा कहना है नुवामा का। नुवामा जो सिक्योरिटीज़ है, जो कि वर्ल्ड की एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फर्म है और इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने कहा है कि करीब करीब 289 मिलियन $ के इनफ्लो में, मतलब बाइंग हो सकती है FII की ओर से सुजलॉन में। और IIFL के हिसाब से कहा जाए, उन्होंने कहा है 241 मिलियन $ के बाइंग हो सकती है, मतलब करीब करीब आप समझ के चलिए 2500 से लेकर 2600 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स बाय किए जाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये जो 30 नवंबर के बाद बाइंग शुरू होगी, उसके पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होकर हो सकता है थोड़ा करेक्शन हो और फिर से सुजलॉन का शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय किया है वो बाय कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हो सकता है जैसे जैसे क्वार्टर रिजल्ट आएंगे, जैसे जैसे FII का इनफ्लो बढ़ेगा आने वाले दिनों में, 90-100 रुपीज़ तक भी शेयर जा सकता है। बट अभी फंडामेंटल्स के हिसाब से और RSI के हिसाब से ओवरबॉट जोन में जा चुका है, थोड़ा करेक्शन होगा। बीच में अगर कुछ ऑर्डर्स की न्यूज़ आई और अगर दिसंबर क्वार्टर बहुत ही धमाकेदार आया तो 100 रुपीज़ भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा वेट करना होगा, अभी तुरंत जाएगा ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा वो करेक्शन आ भी सकता है, बिकॉज थोड़ा ओवरबॉट जोन में हो गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे वो पार्शली या फुल्ली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग के हिसाब से बाय किया होगा, और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय किया है उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन होकर फिर से शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा, आशा करते हैं, बट करेक्शन ना हो, साइडवेज ही जाए, साइडवेज जाके अपना RSI करेक्ट करें, ऐसी आशा करते हैं। लोअर सर्किट लग के ना करें, हो सकता है
कुछ दिनों तक साइडवेज जाएगा, 40 40 39 40 ऐसे घूमते रहेगा और आरएसआई करेक्ट हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत गिरावट होके भी हो सकता है। दोनों तरह से आरएसआई करेक्ट हो सकता है। देखना यह है कि मार्केट अब क्या करता है। मार्केट में अच्छी तेज़ी बनी रही तो साइडवाइज जाकर भी आरएसआई करेक्ट हो सकता है, मार्केट में गिरावट हुई तो लोअर सर्किट लगकर भी जो है करेक्शन हो सकता है। बट ये टेम्प्रेरी रहेगा करेक्शन, और करेक्शन होने के बाद फिर से एक बार तेज़ी के लिए तैयार हो जाएगा सुजलॉन का शेयर। तो आशा करते हैं कि जल्दी हमारी जो आशा है और होप्स है कि 90-100 रुपीज़ का लेवल टच करे सुजलॉन का शेयर, वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले। बट ये बड़ी काफ़ी पॉजिटिव बड़ी न्यूज़ आई है MSCI इंडेक्स की, टर्न अराउंड स्टोरी है, डेट भी कवर चुका है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और उसके बाद में हो सकता है आने वाले दिनों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिले सुजलॉन के शेयर में। थैंक यू फ्रेंड्स।